हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो चिप्स। तो सबसे पहले हमने 5 किलो आलू ले लिए हैं, उनको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। और उसके बाद हमने जो कद्दूकस होता है ग्रेटर, उससे इसको कद्दूकस कर लेने हैं। तो एक बड़े से पतीले में आपने पानी रख देना है गरम गैस पर, और उसमें 2 बड़े चम्मच आपने नमक और थोड़ा सा फिटकरी को घुमाना है, ताकि पोटैटो चिप्स आपके सूखने के बाद काले नहीं हो। अब हम इसमें नमक और फिटकरी को घुमा रहे हैं। उसके बाद आपने जो पोटैटो चिप्स ग्रेट किए हैं उनको आप इसमें डाल दीजिए। ये पानी गर्म होता है, इसमें 5 मिनट डालने के बाद ये पक जाते हैं। आपने एक निकाल के उसको थोड़ा चेक कर लेना है हाथ से, जैसे मैं ये चेक कर रही हूँ। उसके बाद इनको निकाल के आपने जो नेक्स्ट किए हैं वो पोटैटो चिप्स गर्म पानी में डाल देने हैं। बस जो भी आप पोटैटो चिप्स कद्दूकस कर रहे हैं, साथ में आपने एक कढ़ाई में पानी रखना है और उसमें वो डाल के आपने एक बार वॉश करके ही गर्म पानी में डालना है, ताकि इनका जो ये वाइट वाइट कलर का मावा सा होता है वो निकल जाए। उसके बाद आपने इनको एक कोई ट्रांसपेरेंट धूप में शीट डाल के चारपाई के ऊपर आपने छत पे इनको फैलाने जाना है, सुखाने जाना है। तो जब तक ये अपने हमने नेक्स्ट डाले हैं, तब तक हमने पिछले ये सारे डाल लिए हैं। तो इसमें फ्रेंड्स ये है ट्रिक कि आपने क्या करना है, आपने जो पहले निकाले थे उनको ठंडे होने के लिए रख देना है, और जब आप दूसरे इसमें डालते हो उबालने के लिए, तब तक वो ठंडे हो जाते हैं, तब आप उनको पहले फैला लीजिए। तो गरम गरम जो आपके हाथ नहीं जलते, जो गरम गरम होते हैं वो तब तक ठंडे हो चुके होते हैं। इस तरह आपने ये सारे फैला लेने हैं। धूप लगने के बाद इसको आपने गरम तेल में तलना है।